की है। मैं पश्चिमी उद्योग व्यापार मंडल महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग जैसा कि विदित है माननीय जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देने आए थे, और ज्ञापन का हमारा जो विषय था वो ये था कि जो हमारे वाहनों की शासन द्वारा तय है जो नंबर प्लेट होती है उनका मूल्य निर्धारित है 350 रुपये, और उस पर भी हमें ये सूचना मिल रही है कि 1300 से 1400 रुपये मूल्य वसूला जा रहा है। तो इसमें हम ये जानकारी लेना चाह रहे हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है, कहीं RTO की संदिग्धता तो नहीं है? संदिग्धता के घेरे में इस चक्कर में सभी लोग आ रहे हैं। इसी संदर्भ में हमने आज माननीय DM जी को ज्ञापन दिया है कि इस विषय पर जांच बैठाई जाए और इसकी जानकारी ली जाए कि ये मूल्य क्यों वसूला जा रहा है इतना। धन्यवाद। लोग आजकल जो 350 रुपये बना हुआ है, लोग 1200-1500 ज्यादा से ज्यादा पैसे ले, जो एक नियम बना हुआ है कायदे से उतना पैसा उतरे ले, आज इन्होंने ये करा है, कल को कार स्कूटी किसी पे भी कर सकते, तो आज इसलिए हमने ज्ञापन दिया कि अभी इसको जांच करी जाए कि आम जनता की पूरी जनता की भलाई के लिए हमने करा कि कुछ ना कुछ इन लोगों पर नियम अपना करे जाए, जितने पैसे बन रहे उतने ही लिए जाए। आज हमने DM साहब को ज्ञापन दिया है, वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के संदर्भ में दिया है कि जो ये एजेंसी मालिक हैं वो उसका चार्ज ज़्यादा वसूल रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट का जो चार्ज है वो 350 रुपये तय हुआ है, ठीक है। और बाहर से अगर हम कोई भी नंबर प्लेट बनवाते हैं तो वो 100 रुपये 80 रुपये में तैयार हो जाती है, कम से कम रेट में, ठीक है। अगर आप ज़्यादा फाइबर वगैरह की बनवाएंगे एट्रैक्टिव तो वो 200 रुपये तक की बन जाती है। अब ये 350 की जगह 1400-1500 रुपये लिया जा रहा है, ये गलत है, मतलब हर कोई इसे पेड नहीं कर सकता। अच्छा, जो आपने ज्ञापन दिया है तो क्या आश्वासन दिया है? हाँ, उन्होंने कहा इसकी हम जांच कराएंगे, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। धन्यवाद।